हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताएंगे जिसे खुद प्रकृति ने अपनी गोद में बसा रखा है, इसलिए ये राज्य भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है। साथ ही यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट का आना जाना भी होता रहता है। हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो भारत के उत्तर में स्थित है। साथ ही यहाँ के लोगों का प्यार आपका दिल जीत लेगा। दोस्तों, आज हम आपको बेहद ही रोमांचक जानकारी देने जा रहे हैं भारत के खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के बारे में। इसलिए आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे साथ इसके अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बन गया। लेकिन उत्तरांचल की स्थापना के 7 साल बाद लोगों की भावनाओं और मांग को लेकर प्रदेश को उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की सीमाएं तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़ती है। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है देहरादून। इस राज्य का सबसे बड़ा हाई कोर्ट नैनीताल में मौजूद है। यहाँ की कुल जनसंख्या है लगभग 1.15 करोड़। साथ ही यहाँ की प्रति व्यक्ति की सालाना आय है 2 लाख। उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति को सबसे आगे रखते हैं और ये लोग अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदी के बाद संस्कृत यहाँ की मेन लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत को प्राचीन काल से ही देव भाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करते हैं। सेब उत्पादन के मामले में ये राज्य देश में 3rd नंबर पर आता है। इसके अलावा यहाँ के लोग धीरे धीरे टूरिज्म को भी अपना पेशा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने और सुंदर सुंदर पहाड़ों की सैर करने के लिए लोग अलग अलग राज्य और देश से आना पसंद करते हैं। उत्तराखंड के लोग अपनी जिंदगी को खुलकर जीना पसंद करते हैं। यहाँ की हवा काफी ताजा और साफ है, साथ ही यहाँ हमेशा साफ पानी ही मिलता है। यही वजह है कि ये लोग कभी जल्दी से बीमार नहीं पड़ते और यहाँ आपको 70 से 80 साल के बुजुर्ग भी अपना काम खुद करते नजर आएंगे। उत्तराखंड न केवल अपनी हसीन वादियों के लिए बल्कि ये अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ का लिटरेसी रेट 78% है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा कुमाऊं तो दूसरा हिस्सा है गढ़वाल। कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है और गढ़वाल में गढ़वाली। दोनों में एक समानता ये है कि ये दोनों ही हिस्से प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। उत्तराखंड अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ की पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियों पर कई ऐसी औषधि और पौधे मिलते हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी ब्रह्म कमल फूल के नाम सुना है? ये पूरे उत्तराखंड का सबसे फेमस फूल है और इसकी खास बात ये है कि ये फूल साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है और ये फूल दिन में नहीं बल्कि रात में चांद की रोशनी में खिलता है और इसे अमृत समान माना गया है, क्योंकि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी की दवाई बनाने के काम आता है। दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के पर्यटक स्थानों की। सबसे पहले उत्तराखंड का मुख्य द्वार हरिद्वार, यहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने आना पसंद करते हैं और यही वो जगह है जहाँ गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। साथ ही गंगा नदी में लाखों लोग स्नान करने आना पसंद करते हैं। हरिद्वार में भारत माता मंदिर, चंडी देवी मंदिर वे बहुत से ऐसे मंदिर प्रसिद्ध माने जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि ऋषिकेश एक पवित्र भूमि है, लेकिन इसके साथ ही ये एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ राफ्टिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग जैसे कई एडवेंचर्स के मजे लेने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से आना पसंद करते हैं। इसके साथ ही अपने टेम्पल्स, प्रयागों, ऊंची पहाड़ियों और अपनी सांस्कृतिक चीजों को लेकर भी उत्तराखंड काफी ज्यादा मशहूर है।
तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड के बारे में कुछ रोचक जानकारी। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसलिए आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप सभी लोग आने वाले हमारी न्यू वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।